ऑलराइट सो बच्चों लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू यू यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन आयो। आज के बायो क्लास में वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक थोड़ा शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमारे सारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन के अलग अलग स्टेप्स से। हमने देखा था रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, फिर हमने इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ने मैकेनिज्म पढ़ा था कि इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ने अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टोरी ऑफ वन ब्रेथ। अपनी भाषा में बोले तो कहानी एक सांस की, ओके। एक ब्रेथ की पूरी स्टोरी हमने डिस्कस की। उसके बाद बच्चों फिर हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया था एक ग्राफ के बारे में जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, और एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग ने एक स्पेशल टेस्ट के बारे में बात किया था जिसे बोलते हैं स्पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में यह पता चलता है कि किसका लंग्स कितना ज्यादा काम कर रहा है, किसके लंग्स में कितना स्टेमिना है और किसके लंग्स में डिजीज की वजह से कोई ना कोई अफेक्शन हुआ है। एनीवे, बट आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा ये अपने आप में सेपरेट टॉपिक ही है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन का अलग अलग एरिया हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट इसका होगा सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस से रिलेटेड, जिसमें से मैं आपको आज अस्थमा जो है वो एक काफी डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस कंटिन्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी के एक टेबल से जो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो पहले वो टेबल कवर कर लेते हैं। दैट टेबल इज टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो टेबल के इस कॉर्नर में अलग अलग गैसेस के बारे में दिया है बेटा। स्टार्टिंग में कौन सा गैस दिया है? ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सबसे पहला कॉलम किससे रिलेटेड है? एटमोस्फेरिक एयर, तो हम लोग इसको शॉर्ट में एटमोस्फियर लिख देते हैं। सेकंड बेटा? एल्वियोलाई। थर्ड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद टिश्यू। अच्छा, एक बात नोटिस करें हम लोग कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का वैल्यू देखो सेम है ना, तो ये दो सेक्शन है ना हम लोग को सेम ही याद रखना है, उसको डबल डबल बाय हार्ट नहीं करना है, ओके। अच्छा, टॉप टू बॉटम चलेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है? 159। CO2 का कितना है? 0.3। इसको देख लो, याद कर लो अच्छे से। टेबल के ऊपर ने इसका यूनिट दिया है, ये पार्शियल प्रेशर को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? एमएम ऑफ एचजी, जैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ओके। एल्वियोलस में कितना दिया पार्शियल प्रेशर? 104। और इसमें 40। परफेक्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना दिया? 40। अच्छा, और ऑक्सीजनेटेड में कितना? 45। यस बच्चों सुनो, ये लॉजिक की बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। करेक्ट, और यहाँ पे करेक्ट है बेटा। अच्छा, टिश्यू में 40 और ये 45। यानी मैं ये देख रहा हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसको एक बार ध्यान से देख लो बच्चों, क्योंकि नीट में इस टेबल से भी एमसीक्यू आया हुआ है, ओके। और कैसा है ना कि अगर मान लेते हैं कि एक साल ये सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आप एक्सपेक्ट करो आने वाले साल में अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से मेन टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। किसी भी चीज को रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना। अब बच्चों इसमें कितनी कमाल की बात है कि हमारा ब्रीदिंग
ब्रेन का एक स्पेशल एरिया कंट्रोल करता है जिसे बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। शॉर्ट में डायग्राम देखते हैं, लेट्स से ब्रेन, उसके बाद यहां पे पॉन्स वेरुला है, यहां सेरिबेलम होता है, फिर ये टुकड़ा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और फिर लंबा सा चालू होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे हाँ बच्चों, बट एटलीस्ट इतना याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले टुकड़े को हम लोग मेड्यूला बोलते हैं। अब बात ये है कि सोचो ये जो है ना, ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और ये मेड्यूला हमारे हाइंड ब्रेन में होता है पीछे की तरफ। इसलिए एक कहावत है कि इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस इंस्टेंट डेथ, क्योंकि अगर आपको मेड्यूला पे मार लगेगा ना तो आपका ब्रीदिंग बंद हो जाएगा। ब्रेन वाले चैप्टर में तो और एक्सटेंड करके हम लोग पढ़ेंगे कि मेड्यूला आपका ब्रीदिंग भी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट भी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ आपके ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है, फिर आपको जितनी हिचकी आती है, खांसी आती है, छींक आती है, योनिंग होता है, वॉमिटिंग होता है, ये सब भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। यानी जब भी हम लोग मान लेते हैं वॉमिट करें तो हमको लगता है वॉमिटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, पहले मेड्यूला मैसेज भेजता है, परमिशन देता है, उसके बाद ही प्रोसेस होता है। ओके, आज के लेक्चर में पता है ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बायोलॉजी में किसी से भी पूछे ना ए तू सांस कैसे ले रहा है या सांस कहां से ले रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स से ब्रीथ कर रहा है। कोई ज्यादा बायोलॉजी पढ़ा होगा तो बोलेगा लंग्स की मदद से ब्रीथ कर रहा है, कोई और ज्यादा बायोलॉजी पढ़ा होगा तो बोलेगा ये डायफ्राम नाम का एक मसल होता है, वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब इनहलेशन एक्सहलेशन होता है, बट कोई कोर बायोलॉजी पढ़ा होगा ना तो बोलेगा कि ये सब तो बाद में काम करते हैं, ये सब किसके इशारों पे काम करते हैं, तो एक्चुअली देखेंगे तो हम लोग ब्रेन से ही ब्रीथ करते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ब्रेन से तो इंसान सोचता है, मेमोरी, प्लानिंग, जजमेंट, ये सब ब्रेन का काम होना चाहिए, बट ब्रेन कैसा है, ब्रेन इज द बॉस, सो ब्रेन ही ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है बच्चों। अब एमसीक्यू सुनना, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो ये मेरा टुकड़ा है ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसका जो आगे वाला सरफेस है उसको वेंट्रल बोलेंगे और उसका पीछे वाला सरफेस डॉर्सल। जैसे आप बैठे हो, आप सोचो मेड्यूला ना आपके ब्रेन में एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर है, उसका आगे वाला सरफेस वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इसके पास जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दोनों भी कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन भी और एक्सपिरेशन भी, बट मेड्यूला का जो पीछे वाला सरफेस है क्या बोलना चाहिए इसको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। हाँ, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन। अब ये बात कैसी है कि आपका जो मेड्यूला है उसका आगे वाला सरफेस जब मैसेज भेजेगा ना तो नीचे चेस्ट में आके वो इंस्पिरेशन भी करवा सकता है और एक्सपिरेशन भी करवा सकता है, बट अगर मेड्यूला के पीछे से मैसेज आया ना नीचे की तरफ तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कराएगा, इंस्पिरेशन। नेक्स्ट, ये दोनों कंट्रोल सेंटर में से जो पीछे वाला सेंटर है इंस्पिरेटरी सेंटर, वो ज्यादा डोमिनेंट। अब ना एक एक लाइन का मीनिंग समझना, आज एक दो पॉइंट तो बहुत जबरदस्त जाएगा बच्चों। इस लाइन से चालू हो रहा है, इंस्पिरेटरी सेंटर डोमिनेंट है, यानी आपके ब्रेन से मेड्यूला से जब मैसेज नीचे आता है चेस्ट मसल्स को और डायफ्राम को, तब हम लोग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन करते हैं। अब वो सेंटर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये होता है कि जब वो सेंटर से मैसेज आना बंद हो जाएगा तो एक्सपिरेशन होता है। जब तक वो सेंटर काम कर रहा है तब तक हम लोग सांस अंदर खींच रहे, सो अगर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो वहां से मैसेज कंटिन्यूसली मेरे मसल्स तक जा रहे। अब मैं ब्रीद आउट कब करूंगा, जब वो सिग्नल वाले एरिया से सिग्नल आना बंद हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले जिस सेंटर को पूछा जाता है वो है इंस्पिरेटरी सेंटर, ये डोमिनेंट होता है।
ओके नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस में बनेगा कि मेड्यूला के अलावा यहां पर जो सेंटर है इसका नाम है पॉन्स वेरोलाय। ये भी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है बच्चों। इसके अंदर भी दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक को नाम दिया है न्यूमो टैक्सिक सेंटर। बोल मेरा बेटा क्या है? न्यूमो टैक्सिक सेंटर। और दूसरा है एप्न्यूस्टिक सेंटर। क्या नाम है बेटा? एप्न्यूस्टिक सेंटर। न्यूमो टैक्सिक सेंटर को यूजुअली एक और फैंसी नाम दिया है, इसे कहते हैं स्विच ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? स्विच ऑफ पॉइंट। यानी हमारी सांसों के पीछे मेन में मेन कंट्रोल सेंटर मेड्यूला है, बट पॉन्स वेरोलाय नाम का टुकड़ा, ब्रेन का ये वाला टुकड़ा मेड्यूला को हेल्प करता है उसके काम में। और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से मैसेज गया मेड्यूला के पास, सो मेड्यूला जो भी काम कर रहा है वो काम बंद हो जाएगा, इसलिए इसको स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं। सो मेन में मेन सब कुछ मेड्यूला चला रहा है, बट मेड्यूला को थोड़ा हेल्प करना, कब अपने को सांस लेना चाहिए, कब ज्यादा लेना चाहिए, कब स्लो लेना चाहिए, ये सब में पॉन्स वेरोलाय उसकी मदद करता है। और पॉन्स वेरोलाय के अंदर दो एरिया है, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा है एप्न्यूस्टिक सेंटर। मल्टीपल चॉइस देखो कैसे आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वेंट्रल और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये वाला एरिया किसके पास है, तो आपको याद रखना है ये मेड्यूला के पास है। नेक्स्ट, ब्रेन के कौन से वाले एरिया के पास न्यूमोटैक्सिक और एप्न्यूस्टिक सेंटर है, तो आपको याद रखना है ये पॉन्स वेरोलाय के पास है। इतना समझा? ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखना ध्यान से बच्चों। ये सुना है आपने एओटा, स्पेशलिटी क्या है इसकी? हाँ, यानी अपने बॉडी का सबसे मोटा आर्टरी है। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है, सबसे मोटा पाइप है, इसको एओटा बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है? बॉडी के अलग अलग हिस्सों को ब्लड सप्लाई करता है। अब इसी एओटा में से, ध्यान से देखना बच्चों, इसी एओटा में से कुछ ब्रांच निकल के ऊपर की तरफ जाते हैं, इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। और ये आर्टरी कहां होती है? नेक में होती है। इमरजेंसी मामले में जब मान लेते कोई सोया हुआ है, अब उधर पहुंच गया अपने ग्रेट कंट्री इंडिया का सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन, देखे हो ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई साहब वहां पहुंच गए, अब सीआईडी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले गले पे टच करते हैं। गले पे क्यों टच करें? देखने के लिए बुखार है कि नहीं जिंदा है कि नहीं, यानी वो लोग उसका पल्स चेक कर रहे हैं। बट आप जब क्लिनिक जाते हैं तो डॉक्टर पल्स कहां चेक करता है? रिस्ट पे ना। ऐसा क्यों, आपको क्लिनिक में डॉक्टर गले पे पल्स क्यों नहीं चेक करता? नहीं मतलब वो कर सकता है पर वो करेगा नहीं। वैसे क्लिनिक में जब भी आप आओगे तो आपके रिस्ट में चेक करेगा। अब एक सिंपल सी बात सोचो, ठीक है, वहां पेशेंट कैसा है? सोया हुआ है, बेहोश है ना, और क्लिनिक में पेशेंट खुद चल के आ रहा है। यानी एक सिंपल सी बात है, एक इमरजेंसी का केस है और एक स्टेबल केस है। यू अंडरस्टैंड? स्टेबल यानी मरेगा नहीं, गेट इट? अच्छा, अब स्टेबल केस है ना, इसलिए डॉक्टर आराम से यहां पल्स चेक, और यहां पे पल्स मिलता ही है स्टेबल केस में। बट अगर कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले ये पल्स बंद हो जाता है, इसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। अब ये ब्लड सप्लाई, ये तो हार्ट से बहुत दूर है ना, तो वहां तक तो ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, तो वहां चेक करके कोई मतलब ही नहीं। अब हार्ट के करीब कौन सी आर्टरी है? कैरोटिड आर्टरी, गर्दन वाली, इसलिए डॉक्टर यहां पर पल्स चेक करता है। ये वाइब्रेशन हम लोग एक बार फील करके लेते हैं। स्टेप्स सुनो सब लोग ध्यान से। पल्स को हमेशा
तीन फिंगर से चेक करना होता है, जैसे डॉक्टर रिस्ट पे भी चेक करेगा ना, तो उसको थम साइड पे तीन फिंगर रखेगा। अगर कोई डॉक्टर एक फिंगर या दो फिंगर से चेक कर रहा है, आप उसका डिग्री चेक करो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज कंट्री बहुत ग्रेट होते जा रहे हैं, यू गेट इट। ओके, तीन फिंगर से, बट गले का चेक करते हैं, तुम लोग को ये वाइब्रेशन फील होगा, थोड़ा फोकस करना। पहले स्टेप सुन लो, गले में देखो यहां प्रोमिनेंस है, ठीक है, उस पर ना सिर्फ फर्स्ट फिंगर रखना, रखो सब लोग। अच्छा, फिर अपने हाथ को 90 डिग्री पे ले जाओ, मारना नहीं पड़ोसी को। अच्छा, अब उसी के नीचे दो फिंगर हल्के से रखो, उसी के नीचे, और अब किसी भी साइड आ सकते हो, इस साइड या इस साइड भी, जहां पे आपका ट्रैकिया पाइप खत्म होएगा ना, देखो ये मैं इस साइड आया, पाइप खत्म हुआ, उसके अंदर एक खड्डा जैसा है, उधर दबाओ। किसको मिला, ईमानदारी से बोलो। सर वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा। ये तो अलग ही बात है। सुमित तेरा मैं बाहर चेक करता हूँ, तू टेंशन मत ले, तू जिंदा है, और मैं देखो कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है, जाने तुझे देंगे नहीं, दिल्ली दे रहा अभी। तेरा गर्दन इतना बड़ा है तो कैसे मिलेगा, मैं बताता हूँ बाद में, टेंशन मत बोलता सर मिल ही नहीं रहा, टेंशन में आ गया। ओके, सुनिए बात ध्यान से, ये ट्रैकिया का पाइप जहां खत्म होता है ना, उस गड्ढे के अंदर, उस ग्रूव के अंदर आपका प्रेस चल, तो उधर ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, ये फील हुआ ना एक्चुअली में, अमन फील हुआ, तो अच्छी बात हो, डॉक्टर बनेगा। ओके, अब बात ध्यान से सुन लो, देखो इमरजेंसी मामले में अगर कोई बेहोश हो जाए ना, अगर इधर पल्स मिला, यानी वो सिर्फ बेहोश, थोड़ी देर में उठ जाएगा, यानी आ जाएगा नॉर्मल, उठ जाएगा वैसा नहीं है। ओके, बट अगर इधर पल्स नहीं मिला तो ये खत्म, वाह शाबाश, ये भाषा बोलोगे ऐसे डॉक्टर बनोगे, खत्म। ये ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे ना, ये लोग पेशेंट बोले हाँ ना मेरी जान, आ भाई ये तो बुखार है बच्ची, ये भाषा बोल बायो पीपल मैनर तमीज से बात करने का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ खत्म नहीं बेटा, दैट मींस द पेशेंट हैज एक्सपायर्ड, ये समझे सब लोग। ओके, अब इस एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी के अंदर, सुनो बच्चों, स्पेशल सेंसर्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इधर फायर सेंसर लगा दिया सपोज, और सुमित क्लास में बड़ा बड़ा सिगार और बीड़ी पी रहा है, सपोज बोला मैंने तुम्हें, क्यों हंस रहा? देखो एक बात समझ लो, जो बच्चा मेरे दिल के करीब रहता है मैं उसके साथ मस्ती करता है। ओके, हाँ सुमित ऐसा नहीं करने का, बुरी बात है बेटा। यस सर। ओके, अब पॉइंट ऐसा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो सेंसर पकड़ लेगा, तो सेंसर क्या करेगा, अलार्म देगा बेटा। उसी तरह से आप ये सोचो, हमारे आर्टरी के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं, उसे रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेट्स गो विद द ग्रामर। रिसेप्टर का मतलब होता है टू रिसीव, यानी ये सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये दो तरह के सिग्नल पकड़ता है, ये देखता है कि हमारे ब्लड में H+ आयोन्स कितना है, और ये इस बात को भी चेक करता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। मल्टीपल चॉइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचो, गले से जो आर्टरी जा रही है ना ऊपर, ऐसे कैरोटिड आर्टरी दोनों तरफ, ओके, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी जा रही है बॉस के पास। हु इज द बॉस? ब्रेन। ब्रेन को जाके ब्लड दे रहे। अब ब्रेन को अगर ब्लड दोगे, इट इज एज गुड एज कि आप भगवान को भोग लगा रहे हो, करेक्ट? तो आप जो भी खाने पीने के लिए रखोगे, साफ चीजें ही रखोगे। सो वैसे ही ब्रेन को है ना, साफ चीज चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और उसको क्या नहीं पसंद है? हाँ, तो अगर जो ब्लड ब्रेन के पास जा रहा है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ और ऑक्सीजन कम हुआ, तो मेन ब्रेन का पार्ट तो ये है ना, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। हाँ, तो अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा दिया, ऑक्सीजन कम दिया ना, भड़क जाता है, फिर ये सबको डांटने लगता है, पॉन्स वेरोलाय, मेड्यूला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, पूरे बॉडी को, लंग्स, लीवर, सबको डांटने लगता है। बोलते तुम लोग सब ऑक्सीजन खा रहे हो और तुम लोग मेरे को ऑक्सीजन नहीं दे रहे। वेरी नाइस, आज से मेरी दुकान का शटर डाउन,
काम करना ही बंद कर देता है, और जैसे ये शटर डाउन कर देता है ना, सीधा ऐसा लाइट चले जाता है, लाइट चले जाता है मतलब बेहोश हो जाता है, अंधेरा हो जाता है ना, ब्लैकआउट बोलते हैं उसको। दिस इज द मैकेनिज्म। आपको चक्कर कब आएगा, या तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है या तो ऑक्सीजन की कमी है, और ब्रेन को ये दोनों चीजें चाहिए रहती है। क्या क्या चाहिए रहता है? स्ट्रेस, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। करेक्ट। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन में से कुछ भी कम हो जाएगा ना, तो ब्रेन काम नहीं करेगा। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसर है एओटा और कैरोटिड आर्टरी में। अब जो ब्लड ऊपर जा रहा है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, तो ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लोग चुपके से मेड्यूला और पॉन्स वेरुला को बता देते हैं कि सर देखो अब जो ब्लड आ रहा है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो सेरिब्रम ना आपको डांटेगा, आपका इंसल्ट करेगा। देखो आप हमारे बॉस हो, बट सेरिब्रम आपका बॉस है, वो आपको डांटेगा तो कैसा है, आपका इंसल्ट होएगा, हमको मजा आएगा, वो अलग बात है सर, बट लेकिन ये अच्छी नहीं बात है क्योंकि ब्लैकआउट हो जाएगा। तो मेड्यूला तुरंत समझ जाता है, तो मेड्यूला क्या करेगा, फटाफट ब्रीथ करवाएगा बॉडी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींच सके बेटा। तो ये याद रखना कि इन दोनों के पास सेंसर्स किसको किसको लेकर है बेटा, एच प्लस आयोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के मान लेते हैं आगे की तरफ ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसके बाजू में भी एक स्पेशल एरिया होता है जो H+ और CO2 को कैच करता है। ओके, सो ये हम लोग मेंशन कर देते हैं, जस्ट बिसाइड्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेड्यूला। अच्छा नीट के बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, मेड्यूला का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, कई बार एमसीक्यू में उसको रिदम सेंटर बोलते हैं। सो मेड्यूला का जो भी सरफेस एरिया है जहां से सिग्नल नीचे जाता है बॉडी में, उसको रिदम सेंटर भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो रिदम सेंटर के जस्ट बाजू में एरिया है, वो एरिया भी क्या क्या कैच करता है, एच प्लस आयोन्स और CO2 कॉन्सेंट्रेशन। एनसीईआरटी की ये जो लास्ट लाइन में लिख रहा हूं ना, पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, ध्यान से देखना, इससे ना तुम्हारा होश उड़ जाएगा। आदित्य कैसा मुर्दा चाल गया ना। चलो रीड करो ये लाइन जोर से। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, अब पहले ये ग्रामर से चालू करते हैं। सिग्निफिकेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण। इतना प्यारा हिंदी बोला, इंपॉर्टेंट। हाँ यानी इंपॉर्टेंट, जरूरी। इनसिग्निफिकेंट यानी जो जरूरी नहीं। लाइन सुनो, फिर ये लाइन का है ना एकदम डिटेल्ड मीनिंग बता रहे। ये लाइन क्या बोल रहा है मालूम है? जो हमारा रेगुलेशन हो रहा है ना रेस्पिरेशन का, कि ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि भाई अब मैं मैसेज भेजूंगा तो इनहलेशन होगा एक्सहलेशन होगा, फिर मैं वापस सिग्नल भेजूंगा तो इनहलेशन होगा एक्सहलेशन होगा, बट ये इनहलेशन और एक्सहलेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है उसमें। मीनिंग देखो कैसे, यानी बच्चों अब मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं। सिचुएशन नंबर वन, आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड उतने का उतना ही है। सिचुएशन नंबर टू, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया और ऑक्सीजन उतने का उतना ही है। अब पहले सिचुएशन में क्या कम है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन कम हो गया ना आपके बॉडी में, और वो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जब ऊपर जाएगा ना, तो ब्रेन को रेगुलेट ही नहीं करता है, ब्रेन को एक्साइट ही नहीं करता कि ये फटाफट सांस करवा, ब्रीदिंग बढ़ा दे थोड़ा ताकि और ऑक्सीजन मिले। सो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रेन को,
सेकेंड सिचुएशन, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से ब्रेन को बहुत फर्क पड़ता है, यानी ब्रेन के पास अगर ऐसा ब्लड आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो ब्रेन तुरंत एक्साइट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है कि अरे इतना कार्बन डाइऑक्साइड, तो फटाफट सिग्नल भेजता है, उसकी वजह से फास्ट फास्ट ब्रीदिंग होती है, तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स वॉश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। मैं आपको और एक दो सिंपल लाइनों में इसका मीनिंग बताता हूं, सुनना ध्यान से। यानी बच्चों ये लाइन हमको ये सिखा रही है कि हम सब अगली सांस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कम है, हम लोग सब हर अगली सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है बॉडी में। यानी देखो अब ये जो मैं ब्रीथ कर रहा हूं ये मैंने इसलिए ब्रीथ किया क्योंकि इसके तुरंत बाद एक्सहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन में मैं कार्बन डाइऑक्साइड फेंकूंगा, यानी ऑक्सीजन अगर कम हो गया ये ब्रेन को एक्साइट नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया ना ये ब्रेन को तुरंत एक्साइट कर देता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से अच्छा गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। तो उसके कम होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता बॉडी को। यानी मान लेते हैं छोटा बच्चा, 10 पोयम सिखाया मैंने उसको, कितनी 10 में से 2 पोयम भूल गया वो, पोयम यानी अच्छी बात सिखाई ना, दैट्स लाइक ऑक्सीजन। सो 10 में से 2 पोयम भूल गया, 8 पोयम पे आ गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अब इस बच्चे ने 2 गंदी गाली सीख ली, तुम लोग ना मार खाओगे, इधर उधर हाथ मत दिखाया करो, तुम लोग सब गंदा बच्चा हो। अच्छा आप सुनो मेरी बात, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं मजाक में बोल रहा हूं, तुम लोग कैसे पर्सनली मत लेना, ठीक है। अब बात ऐसी है कि अब इसने गंदगी सीख ली तो गंदगी बढ़ गई, तो तुरंत पेरेंट का ध्यान जाएगा ना, अरे ये कहां से सीख गया है, करेक्ट। यानी द पेरेंट इज लाइक ब्रेन, ब्रेन कब एक्साइट होता है, अच्छाई कम होने की वजह से नहीं, बुराई बढ़ जाने की वजह से। दिस इज जस्ट लाइक, लेट्स से सपोज इफ आई एम वेयरिंग व्हाइट कलर का लैब कोट, ठीक है, आज मैंने उसको इतना साफ नहीं किया है तो थोड़ा कम व्हाइट दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी के ऊपर मान लेते हैं इंक का धब्बा लगा, तो बुराई बढ़ जाने की वजह से तुरंत अटेंशन जाता है। सेम फंडा बॉडी में यूज करना बेटा, कि ऑक्सीजन के कम होने की वजह से हम लोग अगली सांस नहीं ले रहे ताकि अपने को ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग हर अगली सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शरीर से क्या फेंकने बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। और सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने के लिए एक्सहेलेशन करना पड़ेगा, बट एक्सहेलेशन के पहले इंस्पिरेशन तो आ ही जाएगा, तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लो एनसीईआरटी में, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के इसमें लास्ट लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, पेज नंबर देखो कौन सा, 275, एवरीबॉडी चेक पेज नंबर 275, मिडल पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, ऑलमोस्ट सेम वर्ड टू वर्ड। चलो एक बार साथ में बोर्ड पे देख के पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये लाइन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। सब लोग इतना याद रख लेना कि आप अगली सांस ऑक्सीजन के बदौलत नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप अगली सांस इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको क्या फेंकने बाद, इसलिए देखो हर जगह सेंसर्स ऑक्सीजन को लेकर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर है। यानी ये सेंसर्स ब्रेन को कब इन्फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन को लेकर नहीं कि ऑक्सीजन कम हो गया सर, नहीं, ये ब्रेन को ये बताते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया और ये गंदगी के प्रेजेंस में आप काम नहीं कर पाओगे। ओके चलो बेस्ट है, अब कुछ आउटसाइड एनसीईआरटी पॉइंट्स भी सिखाता हूं जो जरूरी है और उसके बाद फिर अस्थमा पे चलेंगे, ठीक है। यहां देखो, हमारे बॉडी में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। सब लोग बाय हार्ट करो डायरेक्ट वैल्यू, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अब अप्रोक्सीमेटली अगर किसी के शरीर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो हम लोग 15 × 1.34 करेंगे बेटा, इसका अप्रोक्स आंसर आता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन।
ओके 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा 100 ml ब्लड में. इसलिए आप नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसा हो जाता है कि 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं. तीन स्टेप्स है, तीनों अच्छे से याद कर लो. हीमोग्लोबिन का एक ग्राम कितना ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 1.34 ml. ऐसा हीमोग्लोबिन नॉर्मली हमारे ब्लड में कितना होता है? 15 ग्राम. थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, किसी में 12 ग्राम किसी में 16 ग्राम, ठीक है, बट ये एवरेज वैल्यू है बेटा. और ये 15 ग्राम कितने ml ब्लड में होता है? 100 ml ब्लड में. अच्छा, अब 15 ग्राम का कैपेसिटी देखूंगा तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना ml आ रहा है? सो फाइनल पॉइंट याद रखना कि 100 ml ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होता है? 20 ml. इतना क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते. अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया तो उसको बोलने का हाइपोक्सिया. डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन टिश्यू. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स. सब लोग बोर्ड पर देखते हैं. अब नेक्स्ट एक वर्ड है हाइपोक्सेमिया. हाइपोक्सेमिया यानी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन ब्लड. लैंग्वेज ऐसा है बच्चों, अगर अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए ना तो उसको हाइपोक्सीमिया बोल रहे हैं. बट अगर हमारे बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए ना तो उसको हाइपोक्सिया बोल रहे हैं. नेक्स्ट देखो, दिमाग लगाओ. अब इसमें कम नहीं होएगा, हाँ, ऑक्सीजन एकदम गायब ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज एनोक्सिया. नेक्स्ट मेरा बेटा न्यू वर्ड है, देखो, हाइपर कैपनिया. इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड. याद रखना आउटसाइड एनसीईआरटी है बट ये कोई ना कोई एमसीक्यू में फंसता है बेटा. ओके, हाइपर कैपनिया यानी आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है. अच्छा, अब अगर मैं बहुत हाईफाई लैंग्वेज में बात करूं तो ये सेंटेंस को देखो, हम लोग घुमाते हैं. सुनो, आप अगली ब्रेथ हाइपोक्सीमिया की वजह से नहीं लेते हो, हाइपर कैपनिया की वजह से लेते हो. लॉजिक समझ रहे हो? यानी हम लोग अगली सांस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमको ऑक्सीजन खींचना है, हम लोग इसलिए ले रहे क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फेंकना है. और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकोगे तो एक्सहेलेशन करोगे, और एक्सहेलेशन के पहले क्या हो जाएगा? इनहेलेशन. सो इनहेलेशन में तो ऑक्सीजन आ ही जाएगा वैसे भी. ये समझे बेटा? ओके, नेक्स्ट एक वर्ड है बच्चों जिसे बोलते हैं एस्फाइक्सिया. एस्फाइक्सिया का मतलब आपके सांस लेने में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन. और इसके वजह से डेथ होता है. एस्फाइक्सिया के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बेटा. जैसे लेट से सपोज फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग, लेट से सपोज फॉर एग्जांपल सफोकेशन, लेट से सपोज फॉर एग्जांपल थ्रॉटलिंग, लेट से सपोज फॉर एग्जांपल हैंगिंग. देखो ये सारे प्रोसेस को समझो. ड्राउनिंग यानी डूब गया. अगर कोई अगर डूब गया तो उसके विंड पाइप में पानी भर जाएगा. अब पानी क्या करेगा? उसके हवा के आने जाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है ना. अब अगर मेरे पूरे विंड पाइप में पानी भर गया तो हवा आ जा नहीं पाएगा बेटा, तो उसके वजह से डेथ होगा. नेक्स्ट सफोकेशन यानी घुटन, करेक्ट, यानी सांस लेने में तकलीफ. ओके, नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल कोई अगर अपने कार के अंदर लॉक हो जाता है, एक छोटा बच्चा. ओके, लेट्स से 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, कार के अंदर लॉक हो गया, ठीक है. अब वो कार के अंदर लॉक हो गया तो उसको सफोकेशन होगा, तो उसके वजह से भी डेथ होगा. नंबर थ्री थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल मैं और सुमित चाय पीने गए, ठीक है, और हुआ ऐसा कि वहां पे मेरे पास 5 रुपए नहीं थे. मैंने सुमित को बोला तू दे दे, तो सुमित बोला कि हाँ सर मैं दे देता हूँ करके, ठीक है. अब सुमित ने 5 रुपए भर दिए वहां पे. अब ऐसा हुआ कि सुमित फिर मेरे को चिढ़ाने लगा, सर के पास 5 रुपए नहीं है, ठीक है, तो मैं सुमित का गला दबा दिया. बड़ा गला था पर फिर भी मैं दबा दिया बेटा. ओके, दोनों हाथ से, हाँ तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है सर. दुष्ट नहीं था. ओके, अब सुनो ना, ये जब गला दबाते हैं तो विंड पाइप दबता है. अब विंड पाइप दबेगा तो सामने वाला सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके विंड पाइप में क्या हो रहा है? वापस है
अच्छा सेम लास्ट प्रोसेस आप इमेजिन कर सकते हो, अच्छा हैंगिंग से रिलेटेड एक जबरदस्त बात बताओ। यस ठीक है सुनो ध्यान से, कौन बोला यस? शिवम शाबाश, ये अभी जागे हैं। अच्छा शिवम ध्यान से सुनना, हैंगिंग यूजुअली दो तरह का होता है। अगर आप देखो ऑनरेबल इंडियन कोर्ट के हिसाब से एक्सट्रीम सजा अगर किसी को दी जाती है तो उसको फांसी दी जाती है, बट वो फांसी अगर हम लोग देखें तो वो अलग होती है ना, मतलब ऐसे ही नहीं ना कि उसको पेड़ से या पंखे से लटका दिया कि फांसी टेक्निकली कितना प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। अब उसमें कैसा होता है, आप वो फांसी में क्या देखते हो कि द क्रिमिनल इज मेड टू स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म, फिर उसका माउथ कवर कर दे, देयर इज अ पर्सन हु इज ऑपरेटिंग अ मैकेनिकल डिवाइस, करेक्ट, जल्लाद राइट बोलते हैं ना, बिकॉज ही सपोज टू बी स्टोन हार्टेड ना, यानी सोचो ना आप कुछ करोगे उसकी वजह से किसी का डेथ हो जाएगा, वो काम भी कितना टफ जॉब है बेटा। अच्छा नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन द क्रिमिनल इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड व्हेन दिस फेलो ऑपरेट्स अ मैकेनिकल डिवाइस द प्लेटफॉर्म ओपन्स एंड देन दिस फेलो फॉल्स विद अ जर्क एंड देन ही डाइज। सेम चीज अगर हम किसी को पंखे से लटका दे या पेड़ से लटका दे तो भी उसका डेथ होगा, बट दोनों हैंगिंग में डिफरेंस क्या है? अब यहां पे बायोलॉजी का नॉलेज का इस्तेमाल किया गया है, कोर्ट जो फांसी देता है ना उसमें जानबूझ के प्लेटफॉर्म सिस्टम इसलिए रखा है ताकि इंसान गिरे और झटके से गिरे अपने शरीर के वजन पे, और जब इंसान मान लेते साइड व्यू में गिरता है जोर से तो उसके गर्दन की जो पहली हड्डी होती है जिसका नाम है एटलस, क्या नाम है बच्चों? हाँ, तो ये हड्डी हमारे स्कल के साथ डिसलोकेट हो जाती है, और स्कल और एटलस में से कैसा है कि मेड्यूला जस्ट खत्म होता है और स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, यानी अवस्थी सर आपसे इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पहली हड्डी होती है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट नेक वर्टिब्रल बोन। अब उसके डिसलोकेशन होने की वजह से मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक होता है, और मेड्यूला ही आपका ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ही आपका हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा है, आपका डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, कफिंग स्नीजिंग वॉमिटिंग योनिंग हिकअप्स ये सब मेड्यूला कंट्रोल करता है, और फिर इसके पीछे साइंस बन जाता है दैट इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस इंस्टेंट डेथ। आप लोग समझे ये बात? अब अगर इसी इंसान को ऐसे ही पंखे से लटका देते हम तो क्या होता मालूम है? उसका डेथ होता बिकॉज ऑफ सफोकेशन, यानी उसका विंड पाइप कंप्रेस हो रहा है, तो अब इसको समय लगेगा डेथ के लिए, उतने समय तक ये हवे में बहुत तड़पेगा, यानी उसको जबरदस्त तकलीफ होगा बच्चों। और इंडियन कोर्ट क्या सोचता है कि भले वो क्रिमिनल है बट उसके डेथ को लेस पेनफुल रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन है ना, सो उसको सजा मिलेगी डेफिनेटली, बट इट हैज टू बी इन अ लेस पेनफुल मैनर। ये पॉइंट समझा सबको? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैंगिंग विच इज गिवन बाय इंडियन पीनल कोड एंड द रूटीन हैंगिंग दैट वी सी इन अवर डे टू डे लाइफ। और उसके पीछे का साइंस यही है कि इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस इंस्टेंट डेथ। ये समझा? अच्छा अब इसके ऊपर से और एक बात बताता हूं, यही पॉइंट के ऊपर से इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस इंस्टेंट डेथ। मार्शल आर्ट्स और कराटे में ऐसे बहुत सारे डाउट पेज होते हैं जहां सामने वाला अगर प्रॉपर फोकस के साथ आपको यहां हिट करे, ओके थोड़े बैक पार्ट ऑफ द नेक पे, साइड और बैक पार्ट में, और अगर उसके वजह से मेड्यूला डिसलोकेट हुआ तो इंस्टेंट डेथ होता है, विच इज डेफिनेटली नोन टू पीपल दोज हु प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स, ओके विथ लॉट ऑफ फोकस। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बट ये आप लोग ढूंढना, नेक्स्ट क्लास का ये इंटरेस्टिंग होमवर्क है, ओके तुम्हें अभी मैं अस्थमा चालू करूंगा, ध्यान से सुनो, एक सुई पतली सी सुई से भी मर्डर होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पिथिंग। क्या बोलते हैं? पिथिंग। मैं थोड़ा जनरल आइडिया दे देता हूं तुमको, ए पहली बात सर मर्डर करना नहीं सिखा रहा आज हम, हाँ तो स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, हाँ मजा आ रहा है, कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, ये सब बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव बातें होती है, ठीक है, हम लोग क्या इसके पीछे के खाली साइंस पे फोकस कर रहे हैं।
कैसा होता मालूम है, पहले बायोलॉजी में है ना ये एनिमल्स का डाइसेक्शन हुआ करता था, तो उसमें जब फ्रॉग्स का डाइसेक्शन होता था ना, बात ध्यान से सुना, सुमित सुन रहे हो ना बेटा? हाँ सुनो एकदम ध्यान से, ठीक है? अब जब फ्रॉग का डाइसेक्शन होता था ना, तो इमेजिन आप लेबोरेटरी में बैठे हो, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को एक एक फ्रॉग दिया गया, अब वो फ्रॉग को आपको पकड़ के रखना है, अगर आपने उसको छोड़ दिया और वो अगर कूद गया तो आप पूरे लेबोरेटरी में घूमते रहे, मेरा मेंढक देखा गया किधर गया करो, फिर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। अब वो टाइम पे कैसा होता था भाई, फ्रॉग बहुत चंचल होते थे, तो उसको पहले स्टेबलाइज कर लेना, पकड़ लेना होता। अब इसको पकड़ लिए तो फिर बाद में कैसा है ना, एक नीडल की मदद से टीचर सिखाया करते थे, वो नीडल सीधा उसके हाइंड ब्रेन में मारते थे, उसके हाइंड ब्रेन में जाके उसके मेड्यूला को अगर पियर्स कर दिया ना, तो फ्रॉग है ना थोड़ा अधमरा हो जाता है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका डेथ हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिथिंग, और ये अगेन चाइनीज और कुंफू आर्ट्स में बहुत कॉमन है। बहुत सारे नीडल्स की मदद से अगर वो लोग नीडल फेंके और नीडल परफेक्टली अगर हिट कर गया ओके मेड्यूला के एरिया तक, तो उसके वजह से डेथ हो सकता है। और फिर कैसा है कि पोस्टमार्टम में वो नीडल का पियर्स वाला मार्क तो कितना छोटा होगा, तो वो डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पिथिंग। रिमेंबर द सेम पॉइंट, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस इंस्टेंट डेथ। ये समझे सब? तो जिस तरह से मेरे को देख रहे हो ना, जहां सर अच्छा पॉइंट सिखाया आप काम में आएगा, मैं मारेगा तुम लोगों को। सारे पॉइंट्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं नहीं प्रैक्टिकल नहीं पागल, मालूम पड़ा सर घूमे इधर से सब सुई फेंकना चालू कर, अगले लेक्चर में हेलमेट पहन के आएगा पूरा वो पीपी किट आता है ना एस्ट्रोनॉट से सब दुष्ट लोग। बट फिर भी आप लोग इसके बारे में रीड करना। एंड वन रिक्वेस्ट, अगर किसी को कोई 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स का एनिमेटेड वीडियो मिलता है ना उसका, कोई शॉर्ट्स जैसा, ठीक है, तो उसको ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना, ताकि सबको ना उसका एक इमेजिनेशन आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब मेन पॉइंट से चालू करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सबसे पहला डिजीज, ध्यान से देखो, देखो इसको इंडिया में अभी तो हम इंडियंस का ना एक्सेंट बहुत प्यारा होता है, हम लोग हर अल्फाबेट को बोलते हैं, एफर्ट्स लेते हैं खींच खींच के, तो इंडिया में इसको अस्थमा भी बोलते हैं, एक एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं। बहुत से लोग इसको एक ए को स्किप करके अस्थमा भी बोलते हैं, बट आई मस्ट टेल यू फॉरेन में इसको एस्थमा बोलते हैं। एक ना एक बहुत प्यारा सा किस्सा है, मैं मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन बॉम्बे के वन ऑफ द फैंटास्टिक हॉस्पिटल में, वहां है ना कैसा है कि वहां आईसीयू में हमारी पोस्टिंग थी, तो वहां फॉरेन के स्टूडेंट्स भी आते थे पढ़ने, ऐसे पेशेंट्स देखने, तो क्या जब पेशेंट देख के हो जाता था ना, तो हम लोग वहाँ कैंटीन में बैठते थे, तो कैंटीन में ऐसे राउंड टेबल होती थी बहुत सारी, तो सब लोग साथ में बैठ के वहां खाते थे, तो कैसा होता था कि वहाँ इंटरेक्शन होता था कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या पढ़ रहे हो आप, कहाँ रहे, तो ऐसे बातचीत चल रही थी। अब उधर ऐसे चार पांच फॉरेनर्स थे, तो लोग आके बैठे, तो हम लोग का ग्रुप बैठा था, तो हम लोग के टेबल में ज्वाइनिंग किए थे क्योंकि टेबल्स लिमिटेड थे, तो ऐसे ही बात करते करते इंटरेक्शन चालू हुआ, तो उसने पहले ना एक लड़का था और उसके साथ दो तीन लड़कियां थी, तो उसने पहले मुझसे पूछा कि विच पेशेंट यू हैव सीन टुडे सर, आज आप लोग ने कौन से पेशेंट देखे, तो मैंने उससे बोला कि वी हैव सीन डेंगू एंड मलेरिया पेशेंट्स ओके एंड वन केस ऑफ टाइफॉइड। तो उसने मेरे फ्रेंड से पूछा विच पेशेंट यू हैड सीन, तो मेरा फ्रेंड बोला अस्थमा, तब उसे बोला विच पेशेंट, तो मेरा फ्रेंड बोला अरे दमा 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 नहीं माहिती का तुला माहिती का चालू हो गया, तो मैं बोला हेलो इंग्लिश में बोलना उसको वापस, बोला बोल तो रहो कब से अस्थमा अस्थमा समझ नहीं रहा है गोरे को, वो चालू हो गया उधर, तो मैंने भी उसको कंटिन्यू करके मैंने बोला ब्रेथलेस पेशेंट अस्थमा, तो बोला वो ब्रेथलेस पेशेंट इट्स नॉट अस्थमा इट्स एस्मा, वैसा बोला क्या। फिर उसके साथ जो उसके ग्रुप बैठे थे वो लोग हंसने लग गए, वो लोग हंसने लगे, मेरा दोस्त भड़क गया, बोलता एक तो ये लोग आया अपने इंडिया में पढ़ने को, लोग अपने आजमा आजमा सीख रहे हैं, मेरा दोस्त से मराठी में ही बात करने लग गया, तो तभी से ऐसे मतलब एक इंटरेक्शन ऐसा हो गया। तो
वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए हम लोग कोई भी वीडियोस ये सब देखते हैं ना, तो उसमें उसको एस्मा ही बोलते हैं। अब ये क्या गोरा लोग, इनका पूरा मुंह खुलता नहीं बेटा, ठीक है, तो लोग आधा अंदर ही रहता आधा बाहर बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी वीडियो सुनोगे ना तो वहां उसको एस्मा प्रोनाउंस करेंगे, बट अपने इंडिया में अस्थमा। अब इंडिया में देसी वर्ड इसका रख दिया दमा, ये भी बहुत प्यारा शब्द है बच्चों, काहे की बीमारी है, दमा की बीमारी है। अब ये भी पहले मैं सोच रहा था एज अ डॉक्टर कि ये नाम कहां से आया, फिर पता चला सारे ब्रीदिंग वाले पेशेंट ना हिंदी में एक वाक्य बोलते हैं कि मुझे सांस लेने में दम लगाना पड़ रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस ग्रामर, कि आई हैव टू पुट एफर्ट्स व्हाइल ब्रीदिंग, सो दम लगा रहा हूं, दम दम दमा दमा हो गया। वहां से ये वर्ड बहुत फेमस है। एनीवे, बट अपने कंट्री का ये डाइवर्सिटी अच्छा लगता है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वर्ड्स। ओके अच्छा, अब मैं पहले आप लोग से पूछना चाहूंगा, आपने कहीं आस पड़ोस में अस्थमा का कोई पेशेंट देखा है या सुना है? अच्छा, आप जिसको जो जो जानकारी है शेयर करना है एक एक करके। सुमित, अस्थमा से रिलेटेड तुमको क्या मालूम है? सर मेरा एक फ्रेंड था, क्लासेस में जब उसको कुछ हो जाता था ज्यादा बातचीत करता था वो, करेक्ट, तो खेलने वेलने में लगता था तो सांस नहीं ले पाता था, तो फिर वो मशीन से नहीं करता था, पंप से ना, करेक्ट। तो देखो जैसे वो ज्यादा बात करता है जैसे इन्होंने कहा, फिर जब वो खेलने वेलने लग जाता, खेलने समझ वेलने क्या होता है, दमा विमा हो जाता था, लाफा बीपा खा जाता था, चुप रहे, जब वो खेलने लगता था उसको सांस में तकलीफ होने लगती थी, बराबर है। अच्छा, तो उसको पंप लेना पड़ता है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। किसी ने और कोई एक्स्ट्रा जानकारी नोटिस किया अस्थमा के बारे में? खून का उल्टी हुआ ना तो उसका रीजन शायद कोई और डिजीज होगा। अस्थमा में सिर्फ ब्रेथलेसनेस होता है, खून की उल्टी के लिए और भी रीजन हो सकता है, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है और कोई बीमारी साथ में हो सकती है, बट एक मेन पॉइंट ये है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतना ज्यादा होता है कि वो मुंह से ब्रीथ करता है, करेक्ट है। अच्छा, अब सारे वर्ड्स को है ना मैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से तुमको कंबाइन करके बताता हूँ कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। सब लोग यहाँ बोर्ड पे देखना बेटा, देखो अस्थमा में है ना पेशेंट के विंड पाइप में अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये उसका विंड पाइप है, ठीक है, ये विंड पाइप को सामने से अगर देखें, ये पाइप जो साइड में जा रहा है बेटा, ये पाइप को अगर मैंने तुम्हारी तरफ मोड़ दिया तो उसका सर्कल दिखेगा। अब इस विंड पाइप को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। आपको मालूम है ना कि हमारा नॉस्ट्रिल, फिर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ट्रैकिया डिवाइड होता है दो ब्रोंकस में बेटा। ओके, अस्थमा के पेशेंट में ये देखो, इसको हो रहा है ब्रोंको स्पाज्म। क्या हो रहा है बेटा? ब्रोंको स्पाज्म को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये मुझे एक बात बताओ, कंस्ट्रिक्शन से तुमको क्या समझ रहे हैं? सिकुड़ गया, करेक्ट, यानी उसका डायमीटर कम हो गया। जो पाइप मोटा था बेटा वो पाइप अब पतला हो गया ना। अच्छा, तो ये बोल रहा है इसको ब्रोंको स्पाज्म, यहां मैं नंबर वन लिख देता हूं। फिर इसके साथ साथ में बेटा इसी पाइप के अंदर बहुत ज्यादा चिपचिपा पानी जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। और तो और इसी के साथ साथ इसको टू कर देते हैं, इसको थ्री कर, पेशेंट के विंड पाइप में बहुत ज्यादा सूजन भी आ जाएगा। अब सूजन को हम लोग करेक्ट प्रॉपर वर्ड्स में बोले तो देयर विल बी इंफ्लेमेशन। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, यानी सोचो ये पाइप का डायमीटर एक तो छोटा हो गया, ऊपर से इतने एरिया में ये रेड वाला जो पार्ट है इधर सूजन आ गई बेटा, और तो और अंदर यहां भी ये ब्लू कलर का इतना म्यूकस जमा हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले हवा के आने जाने के लिए इतना डायमीटर था, अब देखो अंदर मुश्किल से थोड़ा डायमीटर बचा है, करेक्ट है। इसीलिए अब क्या होता है मालूम है, जब पाइप मोटा था, अच्छा खासा ओपन पाइप था, तो हवा आ रही थी जा रही थी, जैसे हम सबका भी ये कंडीशन, तो हम लोग
आराम से सांस लिए, आराम से सांस छोड़ दिए, तो बहुत एयर आता है चले जाता है, तो हमको अगली सांस तुरंत लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अच्छा खासा एयर एक ब्रेथ में आ जाता है। अब आप सोचो वो एयर का फ्लो अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो पेशेंट को फास्ट फास्ट सांस लेना पड़ेगा, सो द अस्थमैटिक पेशेंट विल गो, समझ रहे हो बेटा, उसको फास्ट फास्ट ब्रीद करना पड़ता है। ओके, अब बात ऐसी है कि इसकी वजह से इस पेशेंट के अगर सिम्टम्स हम देखें, यानी अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होगी, अब मैं एकदम हाईफाई वर्ड में लिख रहा हूं, सब लोग यही याद रखना। नंबर वन पेशेंट को होगा डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है, करेक्ट, सब लोग याद करते जाओ बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अच्छा, ऐसे पेशेंट को कभी भी सुलाने का नहीं है, उसको होएगा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन, अगर सांस का मरीज है उसको, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको सुलाओ मत, उसको और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, उसको क्या करो मान, मैं थोड़ा एक दो तकिया रख दो, थोड़ा सेमी इंक्लाइन रखो, या तो बैठा के भी रखोगे तो भी चलेगा। ऑर्थोपनिया करके एक कंडीशन होता है जहां पे लेटने में सांस लेने में तकलीफ और ज्यादा होने लगती है, तो उसको लेटाना नहीं है बेटा। ओके, अच्छा अब एनसीईआरटी के वर्ड पे चलते हैं। ऐसा पेशेंट जब डॉक्टर के पास आएगा ना, तो डॉक्टर देखेगा कि भाई ये तो टैकेपनिया पे गया है, टैकेपनिया यानी फास्ट ब्रीदिंग, सो द पेशेंट इज टिपिकल, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो देख के डॉक्टर को पता चलेगा। अब जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा ना, तो डॉक्टर को उसके चेस्ट में से स्पेशल साउंड आएगी जिसको बोलते हैं वीसिंग। वीजिंग का मतलब होता है विसलिंग साउंड, यहां भी मैं लिख देता हूं एज होमवर्क, और मैं होमवर्क है ना असाइन कर देता हूं। श्रेयस तुम पिथिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखना ग्रुप में पोस्ट करना, और प्रथम तुम ना वीजिंग से रिलेटेड या तो कोई वीडियो या तो ऑडियो देख के ग्रुप में पोस्ट करना, और वीजिंग वाला जो साउंड है ना वो सब लोग हेडफोन पे सुनो। अब मैं आपको टिपिकली बताता हूं, ये देखो कैसा है ना, पेशेंट के चेस्ट के अंदर उसका डायमीटर छोटा हो गया, तो पेशेंट सांस लेता है ना तो सांस में ऐसा लगता है कि सीटी मार रहा है, इट इज अ विसलिंग नॉइज। ओके, तो टिपिकल साउंड सुनोगे ना तब तुमको ये समझेगा। सो ये बहुत ही क्लासिक इंफॉर्मेशन है कि दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें वीजिंग सुनाई देता है, तो याद रखना है। देखो ना, अब जैसे अगर हमारा होंठ खुला है एकदम सांस ले रहे तो इसमें कोई आवाज नहीं आएगी, बट अगर आपको होंठ से सीटी मारना है तो आपको लिप्स के डायमीटर को छोटा करना पड़ता है, करेक्ट है? उसी तरह से यहां डायमीटर छोटा हुआ इसलिए हवा के आने जाने से सीटी जैसी आवाज आती है जिसे वीजिंग बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे टाइम पे ये पेशेंट जब हॉस्पिटल आएगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, देखो अस्थमा के बहुत से पेशेंट को ना डॉक्टर टैबलेट्स देखे रहे, ओके, टैबलेट, और अगर उनको उसके साथ साथ खांसी भी है तो क्या देंगे, सिरप देंगे। सेकेंड, जैसा कि सुमित बोल रहा था कि मैक्सिमम पेशेंट के पास अपना खुद का क्या होता है, पंप होता है। अब पंप में देखो कैसा होता है ना, कि ऐसा एक लोअर पार्ट होता है, इसके टिप को बोलते हैं माउथ पीस, क्या बोलते बेटा इसको, और यहां ऊपर इसकी बटन लगी होती है, यानी इसको ऊपर से दबाते हैं, जस्ट लाइक परफ्यूम एंड डिओडेंट, आप प्रेस करोगे तो स्प्रे निकलेगा, खाली इसका स्प्रे कैसे ना, यहां नीचे से फिर माउथ पीस से सीधा माउथ में जाएगा। अब ये पंप के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन, जब भी पेशेंट अस्थमा का पंप यूज कर रहा है ना, उसको है ना पंप को हमेशा दांतों से नहीं पकड़ना, लिप्स से पकड़ना। प्रथम क्या डिफरेंस आ जाएगा इसमें, अगर दांत से पकड़ा तो पंप खराब हो सकता है, करेक्ट, ओके, बट उसके पीछे भी देखिए बहुत बड़ा रीजन है। अगर उसने दांत से पकड़ा, सपोज ये पंप का माउथ एंड है, अगर मैं इसको दांत से पकड़ता हूं तो आजू बाजू में गैप रह जा रहे, देखो, और मैंने स्प्रे मारा तो दवाई गई अंदर, और गैप से जब मैं ब्रीद आउट करूंगा तो बाहर आ जाएगी ना,
सो एम आई एबल टू फॉर्म अ कंप्लीट सील अराउंड द पंप? नो. अब वही चीज अगर मैं लिप्स से पकड़ता हूं, सो देयर इज अ कंप्लीट सील ना. देखो कैसा है ना, जैसे परफ्यूम डिओड्रेंट आप लिमिट में यूज करते हो, आप क्या बोलते हो हवा में मत उड़ा, जितना है बॉडी पे यूज कर क्योंकि ये महंगा है. वैसे ये पंप, ये जो दवाई है काफी महंगी है बेटा. सो पेशेंट जब उसको मुंह में रखेगा ना, तो उसको दांतों से नहीं पकड़ना है, उसको हमेशा लिप्स से पकड़ना है. क्योंकि जब मैंने लिप्स से पकड़ा ना और पंप मारा, तो दवाई पूरा अंदर जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा. पहला रूल समझा? ये बातें तो मैं एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैं तुमको एज अ डॉक्टर, एज एन एल्डर ब्रदर बता रहा हूं, तो इसको याद रखना ताकि आस पड़ोस में कोई पेशेंट है तो उसको गाइड कर सकता हूं. अच्छा, दूसरी बात, पेशेंट ना जब बटन दबाता है ना, तो उसको नाक से सांस नहीं लेने का, मुंह से जोर का अंदर सांस लेने का. सबसे बेस्ट ऐसे पेशेंट को सिखाने का कि सोच, एक ग्लास जूस है, उस पे स्ट्रॉ है और जूस थोड़ा सा ही बचा है और तूने पूरा पैसा लिया है, तो अब ये ताकत लगा के खींचेगा पेशेंट को. टिपिकल ये एक्शन करना क्यों मालूम है? कोई कोई पेशेंट क्या करता है, बेचारे बूढ़े होते ना, उनको अगर समझाएंगे ना तो वो पंप दबाते ऐसे करते. अब इसमें क्या होगा, थोड़ा ही दवाई अंदर जाएगा. तो डॉक्टर ने मान लो अगर ऐसा बोला कि दो पफ, दो बार सुबह लेना पंप और दो बार शाम को लेना, तो सुबह दो बार लिया. अब डॉक्टर ये सोच के उसको बताया कि ये पूरा डोज लेगा, तो इसको आराम ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होता है ना. इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे ही बटन दबाया, रूल सुना, जैसे ही बटन दबाया दवाई निकली, दांतों से नहीं पकड़ना है, लिप्स से पकड़ना है और दवाई को सक करने का अंदर. टिपिकल एक्शन ये होना चाहिए. अब ये अंदर खींचने के बाद अनदर मेजर मिस्टेक, जैसे अंदर खींचा ना, मन में कम से कम 3 से लेकर 5 सेकंड तक गिनने का और रुक जाने का, सांस नहीं लेने का. सुने गो? फिर सांस छोड़ दे. अब कुछ पेशेंट क्या करते हैं, बताओ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? जो दवाई अंदर गया तुरंत आपने एक्सहेल कर दिया. देखो परफ्यूम कैसी बात है, सुनो, परफ्यूम जब स्प्रे किया और तुरंत उसको मिटा दिया तो मिट जाएगा, बट स्प्रे करने के बाद कुछ टाइम रहने दिया तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना. फिर आप उसको मिटाने की कोशिश करो तो स्किन से फिर भी स्मेल आएगा, क्योंकि स्किन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. उसी प्रकार जब पेशेंट पंप यूज करता है ना, सांस अंदर खींचता है. अब सांस अंदर खींचा, तुरंत सांस छोड़ने का नहीं, वो दवाई को जाने दो आपके विंड पाइप में, अंदर विंड पाइप के चिपक जाने दो, फिर विंड पाइप का इनर सर्फेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ये जो पेशेंट ना स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी दवाई की, इतना महंगा स्मोकिंग, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है बच्चों. अब मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई है, अब मैं तुमको इसका कमर्शियल एस्पेक्ट बताता हूं. बात ऐसी है कि अगर पेशेंट को ये सारी बातें नहीं मालूम, ठीक है, वो दांत से पकड़ रहा है, नेक्स्ट वो मुंह से थोड़ा ही एफर्ट डाला है, प्लस थोड़ा एफर्ट डाल के छोड़ भी दे रहे, तो आप देखो तीनों बातों में क्या हो रहा है मालूम है, मेडिसिन वेस्ट हो रही है. अब अगर डॉक्टर ने उसको बोला है, सपोज बात ध्यान से सुनना, अगर डॉक्टर ने उसको बोला है कि सुबह एक बार पंप ले लेना, शाम को ले लेना, ठीक है, तो ये सुबह ले रहा है तो इसको पूरा डोज तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दो बार लेने के बाद 3 बार 4 बार ले रहा है, बट वो 3-4 बार वेस्ट ही हो रही है दवाई. अब मान लेते अगर वो पंप 1 महीना चलने वाला होगा, तो अब 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये वापस से जाएगा फार्मा की दुकान पे, वापस से उसको बाय करेगा, समझ रहे बेटा? तो इसके वजह से क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ जाता है ना, तो ये बहुत रॉन्ग होता है मेडिसिन फील्ड में. आई रिमेम्बर मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, मेरे को बोला था जब जब मौका मिले, पेशेंट हो या कोई भी हो, सबको अच्छे से सिखाने का. सो बहुत सी बार कैसा होता है ना कि मे बी टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, और मे बी कैसा है ना कोई और रीजन की वजह से, लोग ये सारी जानकारी शेयर ही नहीं करते उनके साथ, खाली पंप बेच दिए सामने वालों, हाँ चलो ठीक है तुम पंप ले लो, तो पेशेंट बेचारा जब घर पर ट्राई करेगा तो अप्रोप्रिएटली नहीं ले पाएगा, तो वो मेडिसिन जो 1 महीने 2 महीने में खत्म होने वाली थी, जल्दी खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका सेल्स बढ़ने लगता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों,
ठीक है, मेडिसिन वेस्ट नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी पेशेंट का भी कैसा है ना फाइनेंशियल ड्रेन नहीं होना चाहिए, ओके। और सबसे मेन, चलो वो सब भी जाने दो, मेडिसिन राइट टाइम पे बॉडी के अंदर पहुंचना चाहिए ताकि पेशेंट की तबियत सही रहे बेटा। ये लॉजिक समझा सबको? अच्छा, बट अब सारा सवाल घूम फिर के यहां आता है कि सर ये अस्थमा इसको हुआ क्यों, ऐसे कैसे इसको सांस में प्रॉब्लम हो गया? अब जैसे सुमित ने बोला कि दो सिचुएशन दिया उसने, उसके दोस्त को कब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुआ? जब वो ज्यादा बात कर रहा था और गलत, तुम लोग सुने नहीं ध्यान से, जब वो खेलने वेलने जाता है ना तब। अच्छा, तो तीन बात हो गए, बात कर रहा था, खेलने गया, खेत में वासने का नहीं, मैं मारेगा तुम लोग, मैं सुमित को भी बोल सकता हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बोल सकता हूँ। उम्र में बड़ा कौन है? करेक्ट। टीचर कौन है? दादी किसको है? अभी हाथ दिखा रहा, हिम्मत कितनी बढ़ते जा रही है, पांचों मेटा कार पर पहले नहीं दिखा रहा। अच्छा, एट लॉजिक की बात। अब ना तकलीफ कब कब होती है? नंबर वन, जैसे इन्होंने कहा कि ज्यादा बात करने पे, करेक्ट है। अब ये मत सोचिए ज्यादा बात करने पे अस्थमा हो जाता, ऐसा होता तो लड़कियों को अस्थमा हो जाता। सैवेज द बॉयज, ये तुम चुप रहो यार, तुम्हारे साथ हंस हंस के मेरे को भी खांसी आ जाती है। अच्छा, बात ध्यान से सुनो, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा बात करने की वजह से, ज्यादा बात करने की वजह से वो एपिसोड एक्साइट होता है। अस्थमा ना एक तरह का क्या है? एनर्जी। अब अस्थमा के पेशेंट को किन किन बातों से बचना चाहिए? नंबर वन, धूल मिट्टी से बचना चाहिए। नंबर टू, परफ्यूम पाउडर से बचना चाहिए। नंबर थ्री, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर स्वीटनर्स से बचना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जब भी वो खाएगा ना तो उसको हमेशा सोचने का कि ये खाने के थाली में जो भी कुछ मैं खा रहा हूं वो कुदरत से आया है कि किसी लेबोरेटरी से आया। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रूट्स खा रहा हूं तो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल ना। सपोज मैं रोटी भाजी खा रहा हूं तो वो क्या है? नेचुरल। बट सपोज मैं जैम जेली चॉकलेट सिरप आइसक्रीम केक खा रहा हूं, ये सब कैसा है? आर्टिफिशियल है। तो ये जितना भी ऐसा रंग बिरंगा चीज है ना, सॉस है तरह तरह का, ये सब दिखेगा ना, उसको नहीं खाना चाहिए। सुन लिया सबने? अच्छा, इसके साथ साथ पेशेंट को किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब जैसा इन्होंने बोला ज्यादा बात करने पे, ज्यादा बात करेगा तो एफर्ट्स लगता है ना, करेक्ट। प्लस मान लेते हैं अस्थमा का पेशेंट, बिल्डिंग का लाइट चले गया, अब वो रहता है 20वें माले पे, सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, तो क्या होएगा विवेक उसको? हाँ, वो थक जाएगा, आधे रास्ते में ही थक जाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसको रुक जाना चाहिए ना, मतलब 20 माला ऐसे जरूरी थोड़ी एक बार में चढ़ लेना है, ठीक है, दो फ्लोर तीन फ्लोर चढ़ो, 5-10 मिनट बैठ जाओ उधर। बट पेशेंट इज लाइक, नहीं मैं कैसे सीढ़ी पे बैठेगा, अब वो कंटिन्यू चढ़ते जा रहा है। सो बाय द टाइम वो 20th फ्लोर तक पहुंचता है वो 180 हो जाता है। ये तो 180 समझते हो ना, 180 यानी फ्लैट हो जाता है। अच्छा, फ्लैट यानी हाई, जिंदा है यार। देखो, सी वी आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स, वी शुड सेव लाइव्स, नहीं तो तुम बोले खत्म खल्लास, ऐसा नहीं। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अस्थमा के पेशेंट को जैसे कि ज्यादा बात कर रहा है या सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल शिवम अपना, ठीक है, शिवम को अस्थमा का प्रॉब्लम है, सपोज, भगवान ना करे उसको कोई तकलीफ है, बट सपोज अस्थमा का प्रॉब्लम। अब शिवम और सुमित अच्छा दोस्त है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मस्त प्यारा स्टोरी, अच्छा एग्जांपल मिल गया, ठीक है। दोनों जिम जा रहा है, सुमित कैसा है ना, सुमित 10 साल से जिम कर रहा है और शिवम का फर्स्ट डे है, सपोज, ध्यान से सुनना, ठीक है, आप दोनों दोस्त है, दोनों जिम में मिले, अब क्या हुआ मालूम, उधर सुमित जो है 20-20 किलो का डंबल उठा रहा है और शिवम को ट्रेनर ने बोला तू इधर है, तू पाव किलो उठा। अब शिवम पाव किलो उठा रहे हैं,
ठीक है। अब बाजू में सुमित कला है, सुमित काली अभी दो हंसे ना, सुमित थोड़ा मस्ती मस्ती बोला ए शिवम को अंदर से उसके अंदर का सिंगम जाग गया तो पाव पाव किलो फेंक दिया। अब वो उठा लिया 25-25 किलो और जैसे ही पहला रैप मारा उसने शिवम चालू हो गया। सुमित बोला ए मैं हार गया बस ऐसा फालतू गिरी मत कर ठीक है मेरे को डर लग रहा। शिवम बोला पम पम आप उधर पम पम भाई नहीं। अब जिम का ट्रेनर को पता चला तो लोग सब उसको उठा के नजदीक के क्लिनिक में ले गए तो आप पंप और दवाइयां दी तो शिवम ठीक हो गया। फिर जैसे ही वो होश में आया तो सुमित उसको धो डालता है, बोलता देख अगली बार तू मेरे साथ आने का नहीं है, साला तेरे को कुछ हो जाता था तो लोग मेरा नाम लेते थे फिर ओके। तो देखो आप अस्थमा के पेशेंट को ना जब भी वो जिम्नास्टिक करे या फिर वो किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी में जाए उसको सबसे पहले अपने ट्रेनर को बताना चाहिए कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ताकि ट्रेनर एवरेज वेट के हिसाब से उसको थोड़े कम वेट एडवाइस करेगा सो दैट उसके लिए वो कंफर्टेबल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थमा के पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस से भी बचना चाहिए, समझ रहे हो। अब सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से अपना अमन, अब अमन को अचानक से मैसेज आया, तीन मैसेज आया तलाक तलाक तलाक। ब्रो आई एम विद यू डोंट वरी। ए तुम लोग मैंने एक बात देखा, तुम लोग कितने मतलब दुष्ट दोस्त हो, साला किसी का पूरा हो रहा है, तुम लोग कितना जोर का हंस रहे हो, मैं हंस रहा हूँ मैं मस्ती कर रहा हूँ इसीलिए। तो भी पागल हो गए तो ऐसे ऐसे पागल हो गए जैसे दोस्त का शादी तय हो गया। ये गलत बात है, आजकल का जनरेशन उल्टा जा रहा है ठीक है। कबूल है कबूल है कबूल है आता तो खुश होना चाहिए था, तुम लोग तो यार तलाक पे इतना खुश हो रहे। अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल अपना अब उसको ऐसा रात में तीन मैसेज आ गया तलाक तलाक तलाक, और सुनो तीन अलग अलग लोगों का मैसेज। अमन मारेगा मेरे को बात, बोला सर बहुत मजा उड़ा रहे। अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल फैमिली है बेटा मस्ती कर रहे तो मैसेज पढ़ते ही अमन चालू हो गया रात में ओके। तो वो टाइम पे विवेक उसको वीडियो कॉल कर रहा था, बोला ये कैसा जानवर जैसा आवाज निकाल रहा है, तो मैसेज दिखाता है ओके। अब वो साउंड वाउंड आने चालू हो गया तो विवेक बोलता है इसको अस्थमैटिक अटैक है ठीक है, तो वो जाके उसको पंप देता है। अब पंप में कैसा है, विवेक को स्टेप्स याद नहीं है तो विवेक आदित्य को फोन करता है, तो आदित्य उसको स्टेप्स बताता है। अब सब लोग आदित्य की जुबान से सुनते हैं क्या क्या स्टेप्स है। आदित्य स्टेप नंबर वन, दांत से उसको चबाना नहीं हो, दांत से उसको चबाना नहीं हो, जो बताया वो नहीं याद रखता, उसका उल्टा याद रखता है, लिप्स से पकड़ना है, लिप्स से पकड़ना है, कैसा उल्टा समझा रहा है, चबाना नहीं है तो मारेगा। अच्छा दूसरा, उसको पूरी तरीके से उसको सील कर देना, करेक्ट, माउथ का कंप्लीट सील बनना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, जोर से सांस लेना, हाँ जोर से ब्रीदिंग करना है अंदर, और ब्रीदिंग करने के बाद उसको रुकना है 5 सेकंड, हाँ करेक्ट 5 सेकंड 5 मिनट और मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अच्छा बढ़िया वेरी गुड, ये सबको स्टेप्स याद हो गए करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। बट कभी कभी कैसा होता है मालूम है बच्चों, ध्यान से सुनना, देखो किसी को अस्थमा रहता है ना तो उसको एलर्जी का अटैक तो बार बार आएगा ही ओके। तो कभी भी वो धूल मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आएगा, परफ्यूम पाउडर है, कुछ आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस में आ गए तो उसको है ना ये प्रॉब्लम तो होगा ही। याद रखना ये जड़ से खत्म नहीं होगा, दिस इज लाइक एलर्जी, जब जब तकलीफ आएगी तब तब उसका रिएक्शन आएगा। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, उसको एलर्जिक डर्माटाइटिस था। एलर्जिक डर्माटाइटिस में क्या होता था ना कि वो या तो सनलाइट या तो डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आती थी, उसका हाथ रेड हो जाता था, उसको बहुत इचिंग होती थी। तो एक दिन मेरे पे भड़क गए, मुझे बोले सर इसका कोई जड़ से इलाज नहीं है। मैं बोला देख दो ऑप्शन है, या तो दुनिया के सारे डिटर्जेंट खत्म कर दे तो ऑप्शन नंबर वन, या तो क्या है सन को फोड़ दे। फिर वो ना हंसने लग गए, बोले सर क्या मजाक कर रहा। मैंने बोला शुरुआत किसने किया, आपको 2-3 सेशन से बता रहा हूं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको क्या करना होता है, आपको एक्साइटिंग कॉज को प्रिवेंट करना होता है। अब मुझे पता है लेट्स से सपोज मेरे को परफ्यूम से छींक आने वाली है करेक्ट, तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता मेरे को ऐसा कोई गोली दे दे जिससे फिर मैं परफ्यूम में ही नहाने लगूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
आई एम बोर्न विद दैट टेंडेंसी, आई विल डाई विद दैट टेंडेंसी. हालांकि आयुर्वेद और होम्योपैथी में कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो थोड़ा आराम देते हैं, ओके. बट इसका मेन ट्रीटमेंट है, इसका मेन ट्रीटमेंट है कि अपने को एलर्जी जिस वजह से हो रही है वो कॉजेस को प्रिवेंट करना चाहिए. आप लोग मेरी बात समझे अच्छे से? अच्छा, तो अब कैसे हो जाता मालूम है बच्चों? बहुत से पेशेंट को डॉक्टर्स ने टैबलेट लिख के देते, उसको ये बोलते थे तेरे को कभी भी सांस में तकलीफ होगा ना ये टैबलेट खा लेने का. बहुत से पेशेंट को पंप देते हैं, उनसे कहते हैं कि जब भी ऐसा अंदर से प्रॉब्लम लगने लगे पंप ले लेने का. बट कुछ केसेस में पंप भी काम में नहीं आता, पंप लिया पेशेंट ने फिर भी उसको सांस में अभी भी तकलीफ हो रहा है. देखो अब ये पेशेंट या तो क्लिनिक या तो हॉस्पिटल जाएगा और वहां पर होगा नेब्यूलाइजेशन. क्या होगा बच्चों? नेब्यूलाइजेशन. नेब्यूलाइजेशन में सब लोग यहां देखो, डॉक्टर्स के पास ना ऐसा रेक्टेंगल शेप का डब्बे जैसा मशीन होता है. सब लोग यहां देखना ध्यान से, उस मशीन के एक एंड में ना ये प्लग इन सॉकेट से कनेक्ट करना होता है वायर, और दूसरे एंड पे हाँ ऐसा प्लास्टिक या तो रबर का ट्यूब होगा बच्चों, और उस ट्यूब के ऊपर ना यहाँ पे कंटेनर रहता है. इसके अंदर क्या है ना, उसको खोल के ठीक है उस कंटेनर में डॉक्टर लिक्विड डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, फिर वो कंटेनर को ऊपर से बंद करते हैं, और बंद करने के बाद ये आगे की तरफ मास्क से कनेक्टेड होता है बच्चों. अब जैसे ही यहां से स्विच ऑन कर देते हैं ठीक है, तो क्या होती है इधर की जो दवाई है ना वेपर में कन्वर्ट होती है और पेशेंट उसको सांसों के माध्यम से अंदर लेता है. सब लोग ध्यान से सुनना, छोटे बच्चों में अक्सर ज्यादा दिया जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है. अब ये जो दवाई है ना नेब्यूलाइजेशन, इसमें दो लिक्विड डाला जाता है, वो दोनों लिक्विड उसका एक्शन देखते हैं. एक लिक्विड म्यूकोलाइटिक होता है और दूसरा लिक्विड ब्रोंको डायलेटर होता है. इसके साथ साथ में डॉक्टर बहुत सारी टैबलेट या तो दवाइयां दे देगा जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है. अब ना मेरा बेटा बात ध्यान से सुन, काहे के लिए अपन रट्टा मारने का, ये तीनों बातें अस्थमा में जो तीन बातें हो रही है उसका उल्टा है. देख उसके विंड पाइप के अंदर गाढ़ा गाढ़ा बहुत बलगम और कफ जमा हो गया था, तो डॉक्टर उसको वैसा भाप देता है, वैसे ही स्टीम देता है जो म्यूकस को तोड़ेगा, गाढ़े गाढ़े म्यूकस को तोड़ के पतले पानी में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो पानी अंदर ही अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी का. उसलिए उसको म्यूकोलाइटिक बोला है क्योंकि म्यूकस को ब्रेक कर रहा है. लाइटिक मींस टू ब्रेक एंड म्यूको मींस म्यूकस. ध्यान दिया सबने? सुमित ध्यान दिया बेटा? अच्छा नेक्स्ट है ब्रोंको डायलेटर. ब्रोंको डायलेटर क्या करेगा, जो ब्रोंकस मुरझा गया है उसके मसल्स को रिलैक्स करेगा ताकि उसका डायमीटर बड़ा हो जाए, और प्लस कोई ना कोई टैबलेट दी जाएगी जो एंटी इंफ्लेमेटरी होगी जो अंदर के सूजन को कम कर देगी. तो आप ये सोचो जो अंदर का डायमीटर छोटा हो चुका है उसको रिवर्स किया जा रहा है बेटा. बट कहानी घूम के वही आ रही है कि ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट है. यानी ये पाइप खोल दिया अभी डॉक्टर ने, इसको आराम हो गया, फिर अगर धूल मिट्टी परफ्यूम पाउडर के कांटेक्ट में आया या कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ खा लिया तो फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भूलना नहीं अस्थमा एक तरह का एलर्जी. एक्सट्रीम केस में नेब्यूलाइजेशन के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं होता है, अस्थमा सीवियर वाला एकदम, तब उसको इंजेक्शन देना होता है. तो यहां मैं लिख देता हूं स्टेप फोर लेवल पे पेशेंट को क्या मिलेगा, इंजेक्शन. स्टेप फाइव फिर भी काम नहीं बना तो ये जाएगा सीधा आईसीयू में, और आईसीयू में फिर अगर इसका लंग्स काम नहीं कर रहा है तो इसके ट्रैकिया के अंदर एक पाइप डाला जाएगा, वो पाइप मोटे पाइप से मशीन से कनेक्टेड, फिर मशीन इसके लंग्स में हवा भेजेगा और हवा खींचेगा. जैसे डायलिसिस में वो मशीन आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है, वैसे वेंटिलेटर आर्टिफिशियल लंग्स का काम करता है. ये समझा सबको? ओके तो अभी यहां हम लोग स्टॉप करते हैं. अभी अगले क्लास में ना और छोटी मोटी और बीमारियां हैं, हिंट दे देता हूं. जैसे अगले क्लास में हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा होमवर्क के तौर पे जो जो बताया है किसको किसको काम दिया है, श्रेयस एंड प्रताप, कर देना इतना ठीक है.
चलिए आज की क्लास समझी सबको? यस सर। यहाँ स्टॉप करते हैं।